देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज की खास कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप सभी केवल सच के दर्शकों का, बिहार की आम जनता का, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम आज दुर्गा महाअष्टमी का दिन है और कल ही हम लोगों ने जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, चाणक्य की जो जन्मस्थली है, उसी चाणक्य ने जिसकी शुरुआत की थी, जिस साम्राज्य की शुरुआत की थी, उसके महान सम्राट अशोक की जन्मस्थली भी कही जाती है। और कल ही हम लोगों ने उनका भी जन्मदिवस काफी धूमधाम से मनाया है और छठ पर्व जो कि बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के रूप में हम मनाते आ रहे हैं, छठ पर्व की भी समाप्ति कल हुई है। इस बीच बिहार में राजनीति जो सरगर्मी है वो भी पड़ी हुई है, MLC चुनाव का रिजल्ट आया है। इन सभी के बीच आज पूरा देश कल होने वाले रामनवमी त्योहार की भी बड़ी धूमधाम से तैयारी में लगा हुआ है। रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है। इस बीच हम आप सभी लोगों को, आप सभी बिहार और भारत के वासियों को इस केवल सच के लाइव कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीविका के एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। जीविका का जब नाम आम जनमानस के बीच में आता है, बिहार के आम जो गरीब गुरुआ हैं, जिनके लिए जीविका का निर्माण हुआ था, जिनके जीने की राह के लिए जीविका बना हुआ था, उस जीविका के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो जीविका जो कि जीना सिखाती है, जो लोगों को जीवन देने का काम करती है। ये परियोजना इतना अच्छा परियोजना है, इतना अच्छा इसका कार्य पद्धति है कि इसका वर्णन नहीं है। और हम लोगों ने काफी अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि जीविका अपने आप में बहुत वृहद संगठन है और यह समाज हित में कार्य कर रही है। परंतु जब हम इसे खंगालते हैं, इसके डेटा का अध्ययन करते हैं, इनके बीच में जाकर अंदर की बातें तक हम जाते हैं, तब देखते हैं कि यही जीविका में दीमक लग चुका है। दीमक इस सेंस में लग चुका है कि इसके जो अधिकारी, जो बीच के और ऊपर लेवल के जो अधिकारी है, ये बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कम नहीं, लाखों हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार ये जीविका कर रही। इसको समझाने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। बिहार की आम जनता और जीविका दीदियों को समझाने के लिए, क्योंकि जीविका दीदी हमारी बहुत ही भोली होती हैं, वो ग्रामीण महिला तो होती ही हैं, कुछ महिलाएं उसमें कम पढ़ी लिखी भी होती हैं, तो वैसे वैसे महिला जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे मिलकर यह जो जीविका का समूह है, SHG है, BO है, काफी बृहद पैमाने पर बड़े लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी हैं, ये जीविका दीदियों को बहलाकर फुसलाकर उनके हक का पैसा खा रहे हैं। आज हम उनको बेनकाब करने के लिए आए हैं। हम पिछले शनिवार को आए थे और आपको वादा किया था कि हर शनिवार हम जीविका में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के बड़े शौचालय घोटाला। अगर इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी लोग, बिहार के तमाम जीविका दीदी, तमाम BPM लोग अगर जुड़े हुए हैं, तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या जो हम बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। आम जीविका दीदियों से हम आग्रह करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट करें और बताएं कि क्या उनके क्षेत्र में भी इस तरह की कोई घटनाएं हुई हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन माताओं बहनों को जो पिछले लाइव के बाद हमें कॉल करके बताया है। कई लोगों ने धन्यवाद दिया है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कॉल करके, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं हम गरीब महिलाओं के। और केवल जीविका दीदी ही नहीं, बल्कि बिहार के प्रत्येक जिले में कई BPM, कई जीविका दीदी, कई SECC, कई अधिकारी पदाधिकारी जो ईमानदार हैं, वो केवल सच टीम के साथ जुड़ चुके हैं और उनके सहयोग से
हम जीविका में भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं। बिहार की आम जनता से भी आग्रह है कि इस मुहिम में आप हमारा समर्थन करें, हम जल्द से जल्द इस जीविका में से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे। तो बात करते हैं हम नारायणपुर शौचालय घोटाला, कितना बड़ा घोटाला है पहले आप तो इसका अंदाजा नहीं होगा। लगभग 12,000 शौचालय, 12,000 कुछ है, हम आपको बता रहे लगभग 12,000 शौचालय बनाने का काम नारायणपुर जो प्रखंड है भागलपुर जिले का, भागलपुर जिले के डीपीएम वही है। मैं याद दिला दूं आपको पुराना एपिसोड जिन लोगों ने नहीं देखा है, भागलपुर के डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है चंदन कुमार सुमन जी, जिनके पास मैं कई बार गया, कई बार उनसे इन तमाम प्रश्नों के जवाब जानने चाहे लेकिन वो कतराते रहे और झूठ बोलकर हम लोगों को बताए कि होली के बाद हम साक्षात्कार देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने साक्षात्कार नहीं दिया और टरकाते रहे, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन हम इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से भी भागलपुर के डीपीएम चंदन कुमार सिमन जी से सीधा प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप बताएं कि भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड में जो बड़ा शौचालय घोटाला हुआ है उसमें क्या स्थिति है, क्या संलिप्तता है आपकी, क्यों नहीं आपने जांच कराया, और अगर जांच कराया तो क्या है उसका रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान LSBA, जिसकी कोडिंग जीविका में LSBA के तौर पे है। LSBA के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त, अर्थात जिसको ODF भी कहा जाता है, ODF की चर्चा पहले भी हुई होगी, आप लोग जानते भी होंगे। तो LSBA के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त ODF अर्थात ओपन डिफेक्शन फ्री बनाने के लक्ष्य केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन SPMG तथा राज्य संपोषित लोहिया स्वच्छ योजना के प्रावधानों से पूरा किया जाना था। अब इसकी अगर शुरुआत से बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत की बात करें तो पीएम जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने के संकल्प लिया और फिर इस दिशा में सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन अभियान को लागू किया। जब यह अभियान को लागू किया गया तब 2011 के SECC सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के अनुसार गरीब ग्रामीण व्यक्तियों परिवारों की सूची बनाकर उन्हें शौचालय बनाने हेतु 12,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही और ऐसा प्रावधान किया गया कि जो गरीब लोग हैं उनके शौचालय निर्माण के लिए उन्हें 12,000 रुपया दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये इसकी शुरुआत थी, अब हम बात करते हैं कि ये जीविका में कैसे आया, जीविका को ये कब दिया गया। तो 24/10/2016 को LSBA के पत्रांक संख्या BRLPS/HNN/948/16/004 में 131 प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त करने का दायित्व तो जीविका को सौंपा गया। ये कब की बात है, 24/10/2016। इसके बाद पुनः 2017 में 6/9/2017 को पत्रांक संख्या BRLPS/HNN/948/16/277 के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, द्वारा बिहार के 44 प्रखंडों को ODF करने हेतु एक संशोधित सूची उपलब्ध कराई गई, जो सूची हमारे पास भी है, हम आपको दिखाएंगे। यानी बिहार जीविका को 44 प्रखंड, बिहार जीविका को 44 प्रखंड दिए गए कि इन 44 प्रखंडों में आपको शौचालय बनाना है। तो जो 44 प्रखंडों की सूची दी गई उसमें सीरियल नंबर 10 पर भागलपुर जिले के सामने नारायणपुर ब्लॉक था, वहां पे ODF की जानकारी, मतलब वो बताया गया कि भागलपुर जिले में नारायणपुर प्रखंड ही एकमात्र ऐसा प्रखंड है जहां पर जीविका के माध्यम से शौचालय बनाना गया है। और उसी संशोधित सूची में नारायणपुर में कुल 12,789 शौचालय निर्माण का टारगेट दिया गया। यह फिगर को याद रखिएगा, 12,789 शौचालय निर्माण का टारगेट नारायणपुर ब्लॉक जो कि भागलपुर जिले में अवस्थित है
को टारगेट दिया गया 12,789 शौचालय बनवाने का, और लगभग लगभग नारायणपुर ने इस टारगेट को अचीव भी किया, इसलिए बाद में उसे अवार्ड भी मिला। इसकी जानकारी हम लोग आगे भी देंगे आपको। अब बात करते हैं, एक और बात इसमें आता है कि आखिर ODS जो है, ODS जो कराया जा रहा है, तो जीविका में हम बताए थे पिछले भी एपिसोड में आप लोगों को कि जीविका में कई थेमेटिक मैनेजर होते हैं, तो जीविका में ये जो शौचालय निर्माण का कार्य है वो आपको HNS मैनेजर अर्थात स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता प्रबंधक के अंतर्गत आता है, अर्थात जो जिले में HNS मैनेजर है वही इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ODS कार्यों की मॉनिटरिंग जिले में जो जीविका के थीमेटिक मैनेजर HNS मैनेजर है वो इसका मॉनिटरिंग करेंगे। ये ओवरऑल पूरे बिहार की बात थी। अब हम आ जाते हैं अपने भागलपुर के नारायणपुर ब्लॉक में, एक एक करके हम लोग बात करेंगे तब जाके ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि हम हर एपिसोड में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, कि एक ही दिन अगर सारे भ्रष्टाचारों को रख दिया गया तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक एक करके इस घोटाले की जानकारी आपको दे रहे हैं, और इसलिए भी जानकारी दे रहे हैं कि विभाग शायद चेत जाए, विभाग जग जाए और कुछ कार्रवाई करे। तो अब हम बात करते हैं भागलपुर जिले के प्रखंड नारायणपुर की। जीविका नारायणपुर के BPM वरुण कुमार, जब मतलब नवंबर या 2017 की बात है लगभग, उस समय वरुण कुमार जी BPM थे, BPM थे, और मतलब उसी समय उनका स्थानांतरण हो गया था पीरपैंती। वरुण कुमार जी BPM थे, BPM जो कि ब्लॉक में होते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका स्थानांतरण पीरपैंती हो गया। और जब नवंबर 2017 में नारायणपुर प्रखंड को जीविका के माध्यम से ODS का कार्य मिला, तब तात्कालिक कटिहार से स्थानांतरित करके BPM अंकित को यहां पर लाया गया। BPM अंकित उस समय कटिहार में पोस्टेड थे, उनका पूरा नाम अंकित छपाड़िया है, उनको कटिहार से नारायणपुर ब्लॉक लाया गया और नारायणपुर का नया BPM बनाया गया, जो कि काफी ऑनेस्ट आदमी थे, बहुत ईमानदार, इतना ईमानदार, उनके ईमानदारी के चर्चे काफी दूर दूर तक है। अब ऐसे ईमानदार अधिकारी को यहां पर क्यों लाया गया, इसकी भी जानकारी हम लोग आपको देंगे। तो BPM कौन बन गए नारायणपुर प्रखंड के, अंकित छपालिया। लेकिन ODS निर्माण में BPM की भूमिका तो रहती ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका HNS मैनेजर की रहती है। तो दूसरी तरफ भागलपुर के तत्कालिक मैनेजर जॉब, उस समय प्रबंधक रोजगार अजय रंजन जी थे, नवंबर 2017 में उनको भागलपुर HNS मैनेजर का एडिशनल चार्ज दिया गया, मतलब वो पहले से जॉब मैनेजर थे, और चूंकि जब नारायणपुर प्रखंड में ODS का काम आया तब उनको बना दिया, तब उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया। किसको, अजय रंजन जी को। ये अजय रंजन जी को का नाम आप सभी याद रखिएगा, इनके बारे में व्यापक चर्चा हम लोग करेंगे। अजय रंजन जी पहले से मैनेजर जॉब थे और ODS नारायणपुर में ODS करने के लिए इनको स्पेशल चार्ज दिया गया, HNS मैनेजर भी बना दिया गया। अब क्या हुआ कि LSBA का नोडल अफसर, नोडल बनाकर, LSBA का नोडल बनाकर श्री अजय रंजन जी को नारायणपुर ODS मॉनिटरिंग कार्य में लगा दिया गया। इनको LSBA के अंतर्गत ही शौचालय बनना है, तो LSBA का नोडल बनाकर इनको दे दिया गया। अजय रंजन जी के बारे में थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ करते हैं हल्का सा, क्योंकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। अजय रंजन जी का घर खगड़िया में हुआ, और ये जो नारायणपुर ब्लॉक है वो खगड़िया से बहुत ही कम डिस्टेंस, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब एक तरह से मानिए तो वो वहां के लोकल हो गए, नारायणपुर वहां था, और वहां से नारायणपुर में उनको उनकी पोस्टिंग कर, नारायणपुर का प्रभार दे दिया गया, एक तरह से कहिए तो। आपको अभी ये सैकुरा में पदस्थापित है, इनके बारे में और भी चर्चा हम लोग करेंगे, आप जान जाएंगे अजय रंजन जी कौन है। अभी तक हम लोगों ने मुख्य दो किरदारों की बात की, एक जो कि नारायणपुर के तत्कालिक BPM अंकित छबारिया जी, और HNS मैनेजर जो कि नोडल LSBA थे नारायणपुर के, अजय रंजन जी, इन दो, ये दो के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। आप याद रखिएगा केवल अभी इन दोनों, ये दोनों नाम, अजय रंजन जो कि LSBA के नोडल थे, और दूसरे BPM जो थे
अंकित छपारिया, ये दोनों के मॉनिटरिंग में ओडीएफ का कार्य होना था नारायणपुर में। अब हम बात कर लेते हैं कि सरकारी प्रक्रिया आखिर होती क्या है। आम जनमानस के मन में यह दुविधा रहती है कि ये आखिर होता कैसे कैसे होता है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने काफी अध्ययन किया है और जीविका इसको कैसे कराती है उसकी प्रक्रिया हम लोग समझाते हैं। तो सबसे पहले जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें जीविका जो अपनाती है प्रक्रिया ओडीएफ करने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, तो एसएचजी और वीओ लेवल पर एक मीटिंग करती है। मीटिंग करके माइक्रो प्लानिंग किया जाता है और लाभार्थियों का डेटा लिया जाता है, लाभार्थियों की एक सूची बनाई जाती है। सूची बनाने के बाद एसएचजी या वीओ से ऋण के रूप में आर्थिक मदद, जब एक सूची बन गई उनके पास, पता चल गया कि ये गरीब लोग हैं इनको शौचालय बनाना है, तब एसएचजी या वीओ लेवल पर उनको आर्थिक मदद देकर उनका शौचालय बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाती है। क्योंकि काफी गरीब परिवार रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो उनको वीओ से या एसएचजी लेवल पे कुछ सहयोग करके निर्माण प्रक्रिया शुरू किया जाता है, लेकिन ये पैसा ऋण के रूप में दिया जाता है। जैसे ही उनको 12,000 रुपए जो सरकार देती है उसका शौचालय का पैसा उनके पास आएगा, तो वो पैसा लाभार्थी तुरंत ही एसएचजी को या फिर वीओ को रिटर्न कर देते थे, तो ये ऋण के रूप में उनको दिया जाता था। अब इस बीच में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, तो सबसे पहले जब सूची बन गई कि इन इन लोगों को शौचालय देना है, तो सबसे पहले स्थलीय जांच में जो जीविका के एसी होते हैं, सीसी होते हैं, बीपीएम होते हैं, ये लोग जाके स्थलीय जांच कर लेते हैं कि यहाँ पर बनना चाहिए, ये गरीब परिवार है और यहाँ पर शौचालय बनना चाहिए, उसका फोटो वगैरह जो लेना है अपना ले लेते हैं। इस तरह करके स्थलीय जांच करने के बाद फाइनल रिपोर्ट बनाकर वो बीपीएम के पास जाता है, बीपीएम उसको ऑथराइज करते हैं और इसको वो ऊपर भेज देते हैं। इसके बाद शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चूंकि भी और सच्ची से पैसा आ जाता है परिवारों के पास, और परिवार या नहीं भी अगर आता है तो अपने पैसे से भी वो शौचालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और जो भी ये लोग हैं, एसी है, सीसी है, बीपीएम है, ये लोग शौचालय जब बन जाता है उसके बाद एक फॉर्म बनवाते हैं, या बन जाता है या बनने की प्रक्रिया में रहती है, अंतिम दौर में रहता है, तो लाभार्थी से एक फॉर्म बनाया जाता है, फॉर्म भरा जाता है, उसमें बकायदे बहुत सारी चीजें डिटेल ली जाते हैं, अकाउंट नंबर लिया जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जियो टैगिंग की जाती है। जियो टैगिंग के बारे में अगर बात करें तो जियो टैगिंग का मतलब होता है एक ऑनलाइन आइडेंटिटी देना, गूगल मैप पे ऑनलाइन आइडेंटिटी देना हर एक शौचालय, तो ये जियो टैगिंग किया जाता है। LSBA का एक ऐप भी आता है, LSBA ऐप के माध्यम से पूरा जो लाभार्थी है उसका बायोडेटा लिया जाता है, जिसमें अकाउंट नंबर, आधार नंबर, परिवार के साथ शौचालय निर्माण का फोटो इत्यादि दिया जाता है। ये फॉर्म अपलोड हो जाता है और जिला में चला जाता है। अब ध्यान रखिए, ब्लॉक में इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, बीपीएम। बीपीएम ने जैसे ही इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके जियो टैग करके LSBA के ऐप के माध्यम से ये पूरा फॉर्मेट फॉर्म कहां चला गया, जिला में इसकी ये जो है किसके अंदर में चला गया, तो HNS मैनेजर जो कि अजय रंजन जी की बात हम लोग किए थे, तो उनके अंदर, और DPM जो चंदन कुमार सुमन जी हैं उनके अंदर ये चला गया, और उनके अंदर अब पूरा इसको चेक किया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। इसके बाद जब वो देख लेंगे कि जो भी मेरे पास डेटा आया है वो सही है, पूरी तरह से वो आश्वस्त हो जाएंगे, चाहे जैसे भी हो स्थलीय जांच करवा के हो, दूसरे ब्लॉक के बीपीएम को भेजकर करवाना हो, कोई और अपने से स्थलीय निरीक्षण करके हो, वो जब उस सूची से आश्वस्त हो जाएंगे, उसके बाद उन जितने भी लोगों का अकाउंट नंबर आया हुआ था सभी में DBT डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से उनको पेमेंट कर देंगे। कौन पेमेंट करेंगे, ODF शौचालय बनवाने के लिए पेमेंट करने की जिम्मेवारी DPM को होती है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। भागलपुर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो DPM है चंदन कुमार सुमन जी, और जितना पेमेंट हुआ है भागलपुर नारायणपुर ब्लॉक में शौचालय निर्माण के लिए सारा पेमेंट उन्हीं के हाथ से हुआ है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह तो प्रक्रिया हमने बताई आपको पूरी तरह से सरकारी और लीगल प्रक्रिया थी। अब अगर ये सारी प्रक्रिया नारायणपुर अपनाई रहती तो हम इस मैटर को उठाते ही नहीं, इस मैटर के संदर्भ में लाइव आते ही नहीं। लेकिन नारायणपुर में इस पूरी प्रक्रिया में व्यापक धांधली हुई, बड़े तौर पर धांधली हुई। कैसे हुआ, हम एक एक परत दर परत खोलेंगे। जो बैठकर
लाइव में जुड़े होंगे और इसमें संलिप्त जो अधिकारी होंगे अगर वो भी इसको देख रहे होंगे तो आज वो भी भौचक्का होंगे कि आखिर इतनी जानकारी केवल सच को कैसे हुई। तो हम बता देना चाहते हैं कि केवल सच बिहार के आम बिहारियों के हक की लड़ाई लड़ता है, आम जीविका दीदियों की लड़ाई लड़ रहा है, बिहार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लड़ रहा है। हम और हमारी पूरी टीम आप पे नजर बनाए हुए हैं, हम आपके एक एक गोरख धंधे का खुलासा करेंगे, एक एक परत दर परत उखाड़ देंगे, एक एक भ्रष्टाचार को हम बिहार के पटल पर लाकर दिखाएंगे। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब नारायणपुर में ओडीएफ प्रक्रिया में आई है, सरकारी प्रक्रिया मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे होता है। अब नारायणपुर में क्या है, तो नारायणपुर में फिर से मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूं। तो नारायणपुर में शौचालय निर्माण के लिए दो पदाधिकारी जिम्मेवार थे, एक तो बीपीएम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि तत्कालीन ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर थे उस समय के अंकित छवारिया जी, और दूसरे जो है वो अजय रंजन जी जो एचएनएस मैनेजर थे उस समय के, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था और एलएसबीए के वो नोडल भी बनाए गए थे, इंचार्ज भी बनाए गए थे। इसलिए ये दोनों अधिकारी अजय रंजन जी और अंकित छवारिया जी, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका थी डीपीएम भागलपुर चंदन कुमार सुमन जी। अब हुआ क्या कि एचएनएस मैनेजर जो कि नोडल एलएसबीए भी है अजय रंजन जी, नारायणपुर के पंचायतों और वार्डों में घूम घूम कर क्या करने लगे, वो जैसे ही उनको प्रभार मिला तो अपना हरकत में आया और नारायणपुर के हर एक वार्ड में जाकर, हर एक पंचायत में जाकर, गांव में जाकर वो घूमने लगे। और घूमने के बाद क्या किया उन्होंने, एक लिस्ट तैयार किया। किसका लिस्ट? नारायणपुर में घूम रहे बेईमानों का लिस्ट। एचएनएस मैनेजर जो कि एलएसबीए के नोडल भी थे अजय रंजन जी, नारायणपुर पंचायत और वार्डों में घूम घूम कर वहां के जो बेईमान किस्म के लोग थे उन लोगों की लिस्टिंग करने लगे। आगे बताएंगे कि लिस्टिंग किस काम में आएगा। बेईमानों की सूची तैयार करने लगे और फिर उनमें से अपने जो काम के लगा कि ये भरोसे के बेईमान है, कुछ ऐसे भी बेईमान थे जो कि उनके भरोसे के नहीं थे लेकिन जो भरोसे के बेईमान थे उनकी एक मीटिंग की है और मतलब प्रॉपर मतलब एक अपना पूरी तरह से वो जाल बिछाए बेईमानों को, हर एक वार्ड में, हर एक गांव में जा जाके जो उनके भरोसे का बेईमान मिलते गया, उनके मन मुताबिक मिलते गया, उन लोगों की एक सूची तैयार की, उनकी मीटिंग की और फाइनलाइज किया एक सूची। किसकी सूची? तो उनके लिए गांवों में वार्डों में काम करने वाले दलालों की सूची तैयार की। किसने सूची तैयार की? एचएनएस मैनेजर कम नोडल एलएसबीए तत्कालीन अजय रंजन जी ने एक सूची तैयार की, दलालों की सूची बनाई और सभी को एक निश्चित कमीशन पर लाभार्थी को सूची और प्रत्येक परिवारों से घूस के रूप में 5,000 रुपए की डिमांड है तो टारगेट दिया। पहले तो उन लोगों ये अजय रंजन जी किए क्या कि बहुत मेहनत किया उन्होंने, वार्ड वार्ड घूम के एक लिस्ट बना लिया बेईमानों को, अपने काम के बेईमानों की एक मीटिंग कर लिए और मीटिंग के बाद पता चल गया कि ये मेरे काम के बेईमान हैं, उनकी एक प्रॉपर लिस्टिंग करके उनको एक अलग जगह पर बुलाकर उनको टारगेट दे दिया कि भैया आप लोग ही हैं जो कि पूरे नारायणपुर का शौचालय बनाएंगे, आप क्या करिए, आप वैसे लोगों को खोजिए जो कि आपको 5,000 रुपया दे, उस 5,000 रुपये में से आप अपना कमीशन रख लीजिए और बाकी पैसा मुझे दे दीजिए और आप जिसका पैसा और नाम देंगे उसी परिवार को पैसा 12,000 रुपया जाएगा। तो यह प्रक्रिया अजय रंजन जी ने किया, बहुत मेहनत किया। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, इधर प्रक्रिया इनकी चल रही थी एक तरफ और विभाग भी बीपीएम लेवल पर भी काम हो रहे थे, दूसरी तरफ सरकारी प्रक्रिया भी काफी तेजी से चल रहा था, जियो टैगिंग हो रही थी, शौचालय निर्माण हो रहे थे। इसके बाद जो है कि दलाल जो ये बना अजय रंजन जी के जो दलाल थे इनके बाद दलालों के द्वारा घूस देने वाले लोगों की सूची बनाई गई। अब अजय रंजन जी ने काम दे दिया दलालों को, तो दलाल भी अपने घूमने लगे, दलाल भी एक परिवार से दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, इस तरह से वो भी सूची बना लेंगे कि वैसे कौन से लोग हैं जो 5,000-5,000 रुपए इन लोगों को दे दे। और इसके बाद एक सूची तैयार हुई और वो सूची फिर अजय रंजन जी के पास आई। केवल सूची ही नहीं, वैसे परिवारों की सूची अजय रंजन जी के पास आई
जिन परिवारों ने 5,000-5,000 रुपए अजय रंजन जी के दलालों को दिया था, उन परिवारों की सूची भी आई और उनका पैसा भी आया। तो उन पैसे में से दलालों को उनका कमीशन देके बाकी का पैसा जो था अजय रंजन जी ने अपने पास रख लिया। और जो सूची थी वो सूची कहां चली गई? डीपीएम के पास। तो सुनिए ध्यान से, इस बात को आप ध्यान से समझिए कि दो लिस्ट गया, एक तो बीपीएम लेवल से लिस्ट गया होगा जो कि सरकारी प्रक्रिया चल रही थी, उसमें सभी लोग उसमें जो थे कि सभी लोग का लिस्ट गया, जितने भी शौचालय निर्माण हुए थे या जो जो लोग उस प्रक्रिया में थे सभी की एक लिस्टिंग गई जो कि सरकारी डेटा के अनुसार गया। और एक दूसरी सूची अजय रंजन जी के माध्यम से गई, और अजय रंजन जी का जो लिस्ट था उसमें खासियत यही था कि उस लिस्ट में वैसे ही लोगों और परिवारों का नाम था जिन्होंने 5,000-5,000 रुपया इनके अजय रंजन जी के दलालों को दिया था। तो अजय रंजन जी के पास वो जो सूची आई है, सूची फिर कहां चली गई? डीपीएम के पास। अब आप समझ सकते हैं कि डीपीएम जो चंदन कुमार सुमन जी हैं भागलपुर के, जब तक उनके पास इस 5,000 जो घूस का पैसा था इसमें से कुछ रुपया उनके पास नहीं गया होगा तब तक वो इस पैसों को ट्रांसफर नहीं करते थे, यानी लाभार्थियों को पैसा नहीं देते थे। अब अजय रंजन जी जो कि एचएनएस मैनेजर थे वो पैसा ले लिए, सभी को कलेक्ट कर दी, अपना हिस्सा उन्होंने अपने पास रख लिया और जो बचा हुआ पैसा था वो पहुंचा दिया जिले में चंदन कुमार सुमन जी के पास और सूची पहुंचा दी कि इन सर इन लोगों का पैसा अपने पास आ गया है, इन लोगों का पैसा पेमेंट कर दिया जाए। तुरंत दूसरे ही दिन चंदन कुमार सुमन जी जो डीपीएम भागलपुर के हैं तुरंत पैसा रिलीज कर दिए, सभी लोगों के अकाउंट में पैसा आ गया। अब बात समझिए वस्तु स्थिति क्या हो, कि जैसे ही कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा आया पूरे गांव में प्रखंड में वार्डों में हल्ला हो गया कि अरे कुछ लोगों का नहीं भी आया, जो लोग पैसा नहीं दिए थे तो वो लोग आपस में चर्चा होने लगी, गांव में हल्ला हो गया कि अरे जो जो पैसा दिया देखो तुरंत उसका हो गया, जो पैसा नहीं दिया नहीं हुआ। अब वो लोग खोजने लगे अजय रंजन जी के दलाल, तो एक मार्केटिंग भी किया गया इसका। तो अब अजय रंजन जी के जो दलाल थे उनकी उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई, उनकी विश्वसनीयता बढ़ गई मार्केट में, लोग उनको खोजने लगे और उनको बुलाकर अपने घर फिर जो बचे हुए लोग थे वो उनको फिर पैसा देने लगे, 5,000-5,000 रुपए, कोई 5,000 कोई 4,000 कोई 3,000, मतलब मोटा मोटी 5,000-5,000 रुपए वो लोग देने लगे। और फिर वही प्रक्रिया पुरानी प्रक्रिया चालू हुई, 5,000-5,000 रुपया वो जो लाभार्थी थे वो देते थे अजय रंजन के दलाल को, अजय रंजन के जो दलाल थे ले जाके दे दिए अजय रंजन जी को, और अजय रंजन जी वो पैसा और लिस्ट कहां भेजिए? डीपीएम के पास, और फिर वहां से वो पेमेंट कर दिए 12,000 रुपए। तो ये पूरा मामला है, ये काफी पेचीदा मामला है, हम आपको धीरे धीरे इसलिए समझा रहे हैं, बहुत ही पेचीदा मामला, धीरे धीरे आप इसको समझते जाइएगा क्या आखिर हुआ क्या था, इसकी चर्चा कहीं भी नहीं है। और अब यही सभी प्रश्नों के जब जवाब पूछने के लिए हम डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी के पास जाते हैं तो वो हमें समय नहीं देते हैं, हमें अपमानित करते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता धर्म को अपनाते हुए हमने कई बार उनसे सवाल पूछने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्होंने हमें अपमानित किया और हमें अपने ऑफिस से निकालने का काम किया। लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक बिहार के आम गरीब लोगों का पैसा, आम जो दीदी है जीविका दीदी उनका पैसा, ये जो भ्रष्टाचारी है, ये अधिकारी, ये चोर अधिकारी, जब तक उनका पैसा लूटते रहेंगे तब तक हम लड़ेंगे, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और अंतिम प्रयास तक लड़ेंगे। बस आप लोग साथ दीजिए, आप जीविका दीदियों का आशीर्वाद हमारे साथ है, बिहार के जनमानस का साथ हमारे साथ है, तब तक हम लड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया आपने समझा पूरी तरह से कि कैसे कैसे पैसा का उगाही होता था। अब कुछ और भी चीजें हैं हम आपको समझाना चाहेंगे। अब आपको हमने दो लोगों की भूमिका बताई पैसे में, तीन लोगों की भूमिका, एक तो अजय रंजन जी के जो दलाल थे इनके पास पैसा जाता था कमीशन का, फिर अजय रंजन जी दलाल, फिर अजय रंजन जी के पास जाता था। और जाहिर सी बात है जब अजय रंजन जी के पास जाता था तो अजय रंजन जी डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी को भी पैसा देते होंगे, तभी उनके द्वारा जो लिस्ट दिया जाता था उनका पैसा डीपीएम करते थे। तो
तो जाहिर सी बात है ये पैसे के खेल में तीनों सम्मिलित हैं, दलाल अजय रंजन जी और बीपीएम। लेकिन लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा तत्कालीन बीपीएम अंकित छपारिया जी का, जो आसनसोल के निवासी थे, आसनसोल से थे और बहुत ही ईमानदार, इतने ऑनेस्ट वो थे कि उनके ईमानदारी का चर्चा था और इस पूरे प्रक्रिया में वो कहीं नहीं थे, वो कहीं भी नहीं थे इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में। सारा खेल अजय रंजन, डीपीएम और उनके दलालों के बीच चल रही थी। लेकिन ये खेल आखिर कब तक चलेगा? पब्लिक भी तो विद्रोह कर देती, पब्लिक का पैसा इन लोगों ने काफी मात्रा में लूट लिया। तब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि इन सबसे परे डीपीएम नारायणपुर अंकित छपारिया ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे थे, परंतु जब इन्हें भ्रष्टाचार की भनक सुनाई दी, भ्रष्टाचार होता है तो उसकी गूंज भी सुनाई देती है, तो जैसे ही उस ईमानदार व्यक्ति अंकित छपारिया ने इसके विषय में सुना, तुरंत ही अजय रंजन जी से बात किया और कहा कि सर आपके माध्यम से, आपके दलालों के माध्यम से बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी सूचना मेरे पास है, आप कृपया करके मेरे ब्लॉक में नहीं आए, आप ओडीएफ के मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। अंकित छपारिया ने स्पष्ट शब्दों से कहा कि मैं अपने ब्लॉक में इन घोर धंधा, भ्रष्टाचार का धंधा नहीं फलने फूलने दूंगा। लेकिन कहावत है ना, सत्ता सत्ता का खेल है सब, सैया भय कोतवाल तो डर का है। एचएनएस मैनेजर जो अजय रंजन जी थे उनके ऊपर हाथ था, डीपीएम सर का, डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी का, डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी ने डांटते हुए अंकित छपारिया, जो तत्कालीन बीपीएम थे अंकित, जो काफी ईमानदार थे बीपीएम अंकित छपारिया, उनको डांटते हुए कहा कि ये एचएनएस मैनेजर हैं और ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आप इनको काम करने दे, इनके कार्यों में हस्तक्षेप न करें। ये शब्द थे चंदन कुमार सुमन जो कि डीपीएम है भागलपुर के, उनके स्पष्ट शब्द थे। और क्यों ऐसे शब्द वो बोले, क्योंकि ये घूस का जो पैसा था वो डीपीएम चंदन कुमार के टेबल तक जाता था। लेकिन ईमानदारी का जो नशा होता है ना साहब, वो अजीब तरह का नशा होता है। ईमानदारी का नशा अपने आप में बहुत अच्छा और बड़ा नशा होता है जो कि हर हाल में नहीं छूटता है, किसी कीमत पे नहीं छूटता है। और वही नशा में मफजूल थे हमारे अंकित छपारिया जी, वो लड़ते रहे इनके खिलाफ। कई बार उन्होंने अपने स्तर से हमको लगता है कि प्रयास भी किया होगा, और जब हद हो गई, जब भ्रष्टाचार चरम पर हो गया, पब्लिक त्राहिमाम होने लगी, लोग ऑफिस में आके कंप्लेन करने लगे, तब अंकित छपारिया ने एक ठोस कदम उठाया और डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी से कहा कि आप एक मीटिंग रखिए, हम आपसे ऑफिस में बात करना चाहते हैं। तब जनवरी 2018 में भागलपुर जिला कार्यालय जीविका में नोडल अजय रंजन और बीपीएम अंकित कुमार की मीटिंग किसके साथ हुई? डीपीएम भागलपुर चंदन कुमार सुमन जी के साथ एक मीटिंग हुई। फिर तो मैं दोहराता हूं, जनवरी 2018 में भागलपुर जिला कार्यालय, जो जीविका का भागलपुर जिला कार्यालय आदमपुर में, वहां पर नोडल अजय रंजन, बीपीएम अंकित छपारिया जी की मीटिंग भागलपुर के डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी के साथ हुई और मामला को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। डीपीएम भी ने भी चाहा कि भाई मामला को सॉर्ट आउट किया जाए, जो पैसा आ रहा है उसको मिल बांट के खाया जाए उसमें, और हमें तो यहां तक सूचना है कि उस मीटिंग में अंकित छपारिया जी को ऑफर किया गया कि भाई पैसा आ रहा है, आप भी कमाइए, हमें भी कमाने दीजिए, आप अपना हिस्सा लीजिए, अपना मुंह बंद कीजिए और चलने दीजिए जैसा होता है। अंकित छपारिया इतने ईमानदार व्यक्ति थे, कि वो झट से उसी समय उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा और डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी का टेबल पर रख दिया कि सर नमस्कार करते हैं हम ऐसे आपके जॉब को। अंकित जो बीपीएम नारायणपुर के जो बीपीएम थे अंकित छपारिया जी, वो कहे कि हमें ऐसा जॉब नहीं करना है जिसमें हमें आम गरीबों का पैसा लूटना पड़े, पैसा खाना पड़े, आप रखिए और आप करिए, आप समझिए। और उसी समय उसी मीटिंग के बाद वो रिजिग्नेशन दे देते हैं और चले जाते हैं। एक महीने के नोटिस पीरियड में रहने के बाद फिर उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। तो सोचिए कि अंकित छपारिया जी
कितने बड़े ऑनेस्ट थे, उनको पैसे का ऑफर भी दिया गया इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा, लेकिन वो माने नहीं, वो अपनी ईमानदारी पर कायम रहे और नौकरी छोड़ दी उन्होंने नारायणपुर में शौचालय बनवाने के कारण, ईमानदारी से शौचालय बनवाने के कारण नौकरी छोड़ दी, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ी। सीखना चाहिए उनसे इन भ्रष्टाचारियों को। अब बात करते हैं, ओडीएफ तो करना है, नारायणपुर में शौचालय भी बनाना है, बीपीएम तो चले गए, बीपीएम चाहिए और वैसा बीपीएम चाहिए जो कि अजय रंजन और बीपीएम दोनों के हिसाब किताब के, तभी तो मिल बांट के घोटाला होगा और बात ऊपर तक नहीं जाएगी। इसीलिए क्या किया गया कि खगड़िया की अकाउंटेंट, तत्कालीन खगड़िया की अकाउंटेंट रही स्वाति सपना जी को नारायणपुर का बीपीएम बनाया गया। याद रखिए कब बनाया गया, जब नारायणपुर के ईमानदार बीपीएम अजय रंजन अंकित छपारिया, जो नारायणपुर के तत्कालीन बीपीएम थे अंकित छपारिया जी, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो एक महीने के बाद उनको हटाया गया और उसके बाद खगड़िया की अकाउंटेंट रही स्वाति सपना जी को नारायणपुर का नया बीपीएम बनाया गया और बीपीएम के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग थी। हमें जानकारी यह मिली है, जानकारी की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें जानकारी यह मिली है कि खगड़िया से जो स्वाति सपना आई है और खगड़िया में ही अजय रंजन जी का घर है, अजय रंजन जी खगड़िया निवासी, अजय रंजन जी जो कि LSBA के इंचार्ज मॉडल थे और जिनके वजह से ही अंकित छपारिया ने त्यागपत्र दिया। तो हमें जानकारी यह है कि स्वाति सपना जी और अजय रंजन जी के बीच में गहरी दोस्ती थी या पहले से जान पहचान थी दोनों में, क्योंकि ये भी खगड़िया से निवासी थे और खगड़िया में वो जॉब कर रही थी, काम कर रही थी। तो जानकारी हमें यही मिली है कि वो दोनों के बीच में पहले से जान पहचान थी और अजय रंजन जी के कहने पर डीपीएम भागलपुर ने पैरवी करके स्वाति सपना जो कि अकाउंटेंट थी खगड़िया की, उनको नारायणपुर का डीपीएम बनाया गया। ऐसी खबर मिली है हम लोगों को, इनके बारे में और चर्चा आगे करेंगे। अब क्या हो गया कि अब इनके मन मुताबिक सारे लोग हो गए, डीपीएम भी हो गए अपने, HNS मैनेजर अजय रंजन थे ही पहले से, अब बीपीएम जो मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे थे पैसा लेने में, अब बीपीएम स्वाति सपना भी इनके जान पहचान के हो गए, मैंने इनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने वाली हो गई। ये तीनों लोग, ऊपर के जो तीनों लोग थे, वो तीनों लोग की तिगड़ी मिलकर बड़े पैमाने पे नारायणपुर में बड़े पैमाने पे धांधली किया, बहुत भ्रष्टाचार, नारायणपुर को लूट का अड्डा बना दिया और यहां तक मतलब लूट होने लगा कि ऑफिस में, नारायणपुर के जो जीविका का ऑफिस है स्टेशन के बाद, वहां पर ऑफिस में ही दलालों को बुलाकर डील होने लगी। इनके दलाल बड़े बड़े दलाल भी थे, कई प्रमुख थे, कई पेट्रोल पंप के मालिक भी थे इनके दलालों में। इस दरमियान जब ऑफिस, अब इस बीच में एक प्रक्रिया यह भी आती है, हमें जानकारी जो मिली है कि इस दरमियान चूंकि ऑफिस में कुछ स्टाफ भी रहते हैं, सीसी रहते हैं, कुछ स्टाफ रहते हैं, तो चूंकि जब भी दलालों से डीलिंग होती थी पैसों के लेन देन की, तो ऑफिस स्टाफ के बीच में जानकारी फैल जाती थी और डर था कि ये भ्रष्टाचार जो है ऊपर लेवल पे चला जाएगा या और लोगों के पास चला जाएगा। तब तात्कालिक बीपीएम स्वाति सपना ने एक ऑफिस ऑर्डर निकाला। क्या निकाला? एक फरमान जारी किया ऑफिस ऑर्डर के हिसाब से और कहा गया कि जितने भी स्टाफ है नारायणपुर के, नारायणपुर ब्लॉक में जीविका के जितने भी स्टाफ है, 10 से 5 बजे तक ऑफिस नहीं आएंगे। ये स्वाति सपना ने ऑफिस ऑर्डर निकालकर कहा कि जितने भी जीविका के कर्मचारी है नारायणपुर ब्लॉक में, वो 10 से 5 ऑफिस नहीं आएंगे। और कहां जाएंगे? तो ब्लॉक में फील्ड में रहेंगे और अगर कोई विशेष काम हुआ, कोई जानकारी देना हुआ, तो भी ऑफिस नहीं आएंगे, बीपीएम को फोन करेंगे, बीपीएम जब उनको अलाउ करेगी तब जाकर वो ऑफिस आएंगे। तो सोचिए कि कितने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा था, कितने मतलब इसका विवरण नहीं है कि तीनों जो तिगड़ी थी, तत्कालीन बीपीएम स्वाति सपना, HNS मैनेजर अजय रंजन और डीपीएम भागलपुर चंदन कुमार सुमन जी ने इतनी भयंकर अपनी तिगड़ी बनाई थी और व्यापक तौर से लूट खसोट का काम चल रहा था, लेकिन हम केवल सच है
हम तो आपके एक एक भ्रष्टाचार की परत खोल देंगे सर, एक एक भ्रष्टाचार की परत दर परत खोल देंगे और खोलेंगे हम। बस आप सभी जीविका दीदियों का, आप सभी बिहार के करोड़ों आम गरीब लोगों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। ये ऑफिस ऑर्डर निकाला गया, यह फरमान निकाला गया। अब बात करते हैं कि इस बीच कुछ कुछ घोटाला कैसे होता था, इसके बारे में तो आप लोग जान ही गए हैं। कुछ और भी खबर आया जिसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। वैसे कई वैसे जगह घूस लेकर फंड पास किया गया जहां पहले से ही शौचालय बने हुए थे, मैंने बहुत पहले से 10-5 साल से शौचालय बना हुआ है, संविधान परिवारों के बड़े बड़े शौचालय बने हुए, उनको भी इन लोगों ने पैसा देने का काम किया, 5,000 घूस। और वैसे बड़े इमारत बड़े संभ्रांत परिवारों के शौचालय हेतु फंड दिए गए जहां बहुत पहले से, और जैसे बड़ी इमारतें हैं, इमारतों के प्रत्येक फ्लोर पर फ्लैट रहते हैं, प्रत्येक जो फ्लोर है उनमें जो शौचालय बने हुए थे उन शौचालयों के लिए ही भी पेमेंट इन लोगों ने किया। सोचिए कितना बड़ा घोटाला है यार, कितने गरीब लोगों के लिए पैसा आया था, आम बिहार के जनमानस के लिए पैसा आया हुआ था, वो पैसा उठा के आप लोगों ने किसको दे दिया, जो बड़े बड़े परिवार थे, जो बिल्डिंग बनाए हुए थे उन लोगों को पैसा दे दिया आप लोगों ने भ्रष्टाचार के लिए, केवल 5,000 रुपए के लिए। सोचिए, सूचना हमें यह मिली है कि नारायणपुर प्रखंड का जो बैकुंठपुर, दुधैला, भवानीपुर, इस तरह के कई ऐसे पंचायत और गांव थे जहां पर शौचालय है ही नहीं शौचालय, और उस फर्जी जियो टैग करके पैसा पास कर दिया गया, पैसा दे दिया गया। खबर यह भी है सर कि नोडल LSBA के जो नोडल अधिकारी अजय रंजन जी थे, उन्होंने घूस के पैसे से 4-व्हीलर गाड़ी खरीदी थी जिसमें जो पेट्रोल भरा जाता था वो दलालों के पेट्रोल पंप से भी भरा जाता था, यानी घूस के पैसे से 4-व्हीलर खरीदा, और पेट्रोल भी कौन भरा रहा है, तो इनके दलाल भरा रहे हैं, क्योंकि दलाल भी कमीशन ले रहे थे। ये सभी जानकारियां तमाम जीविका दीदियों से आप लोगों के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है। आप लोगों का जो जानकारी देने में हमें सहयोग किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप सभी केवल सच के सिपाही, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को धन्यवाद। कुछ कमेंट भी आए हैं हमारे पास। भागलपुर के अलावा दूसरे जिले को भी फोकस कीजिए सागर जी, ये भी कमेंट आया है, बिल्कुल करेंगे सर। भागलपुर से तो निपटने पहले, भागलपुर से निपटना इसलिए जरूरी है क्योंकि भागलपुर के DPM चंदन कुमार सुमन जी तानाशाही रवैया अपनाते हैं, उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान किया है, और क्यों अपमान किया है ये आप देख ही रहे हैं, क्यों अपमान किया है, यही सब भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। हम यही प्रश्न पूछना चाहते थे उनसे, वो प्रश्न का जवाब नहीं दिए, तब हमें अंतिम में लाइव आना पड़ा। तो हम फोकस इसलिए भागलपुर को किए हैं कि वहां पर जो भ्रष्टाचार की जानकारी भी मिली है, तो पहले उनसे हम लोग जो जानकारी हमारे पास आते जा रहा है वो सब हम लोग सार्वजनिक कर रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारी जानकारी हमारे पास आ रही है, अभी हमें जानकारी मिली है कि MIS एग्जीक्यूटिव करके एक पोस्ट है जीविका में, बड़ा झोल है सर इसमें, LG का 7,000 का मोबाइल 12,000 में खरीदा गया, इसमें भी लूटा जी, उसी की मैंने बात किया, LG का इसमें भी बड़ा घोटाला हुआ, जो LG का 7,000 का मोबाइल 12,000 में, इसमें भी बड़ा घोटाला है। हम सब पर नजर बनाए हुए हैं सर, सब पे, जो भी लाइव में हमारे जनता जुड़ी हुई है, जीविका दीदी जुड़े हुए हैं, जीविका के लोग जुड़े हुए हैं, बिहार के आम जनमानस जुड़े हुए हैं, जीविका पर पूरी तरह से केवल से नजर बनाए हुए है। बस एक एक कर हम सारे पर्व को खोलेंगे। तो हम बात कर रहे थे MIS एग्जीक्यूटिव का एक जो पोस्ट है, इसके बारे में भी हमें खबर मिली है कि स्टे ऑर्डर होने के बाद भी जीविका बहाली का आदेश जारी किया गया, मतलब अब न्यायालय से भी ऊपर जीविका का कानून हो गया, अब CLF से बहाली करेगा। पहले MIS एग्जीक्यूटिव की बहाली निकाली गई जिला लेवल पर, उसके बाद फिर उसको एक कंपनी को दे दिया गया, और अब उसको CLF से देने की तैयारी। तो इस पर हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, और हमको लगता है कि आने वाले एक दो एपिसोड में MIS एग्जीक्यूटिव पोस्ट की पूरी जो समस्या है उस समस्या को हम लोग उठाएंगे रखेंगे, इस बीच हम नजर बनाए हुए। तो हम बात कर रहे थे कि नारायणपुर में, नारायणपुर प्रखंड में बैकुंठपुर, दुधैला, भवानीपुर,
इत्यादि कई जगह पे हमें जानकारी मिली कि वहां पर शौचालय ही नहीं है, फर्जी जियो टैग करके फंड पास कर दिया गया। अब एक खबर और भी है जो कि अगर अजय रंजन जी जुड़े होंगे शायद तो परेशान हो जाएंगे। फोर व्हीलर वाली बात मैंने बता ही दी। खबर यह भी है कि एक बार घूस के पैसे के लेन देन में गड़बड़ी होने के कारण ग्रामीण ठेकेदार और नोडल अजय रंजन के बीच नारायणपुर ऑफिस में हाथापाई भी हो चुकी है। नारायणपुर एलएसबीए के जो नोडल थे अजय रंजन जी, उनके और ग्रामीण ठेकेदार के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर हाथापाई हो चुकी है। और इसके बाद क्या हुआ कि बात लीक होने के डर से ऑफिस स्टाफ को वहां से हटा दिया गया। कई जो ईमानदार ऑफिस के जो स्टाफ थे उनको हटा दिया गया। एक और समस्या, अच्छा वही समस्या को फिर से कमेंट किया गया कि 2015 में सीधी बहाली हुई थी जीविका में, लेकिन 2020 में दिल्ली की कंपनी को ठेका दिया गया। जी हमें इसकी खबर है और उसकी व्यापक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपका हम लोग आपकी जो है बातों को हम लोग इस पटल पर रखेंगे। सूचना है कि कंपनी नहीं बल्कि सीएनएफ के द्वारा बहाल होंगे। 1 लाख लेकर बहाल हो रहे हैं बेरोजगार, बताइए 1 लाख रुपए लेकर अब बहाल कर रहा है। मतलब एक ही बहाली है, एक ही पोस्ट है, अब कई बार बहाली कर रहे हैं, एक बार बहाली कर चुके हैं, फिर प्राइवेट कंपनी के माध्यम से बहाली करें, अब फिर अब 1,000 रुपया ले रहे हैं, यानी 10,000 रुपया 12,000 रुपया की सैलरी पर 1,000 रुपया लेकर आप बहाली कर रहे हैं। मतलब हद है यार, भ्रष्टाचार की भी हद होती है, हम लोग तो तंग आ जाते हैं सर, क्या करें। लेकिन केवल सच अपने दायित्वों को समझती है, अपने पत्रकारिता धर्म को समझती है। हम आपके एक एक मुद्दे पर लड़ेंगे सर, एक एक मुद्दे पर लड़ेंगे। और जो बैठ कर जो देख रहे हैं ना, जो अधिकारी जो इस लाइव में देख कर हमें गालियां में दे रहे होंगे, वो गालियां खुशी मन से दे, मन हो तो हम पर केस भी करें। हम डरने वाले नहीं है, हम थकने वाले नहीं है, हम हटने वाले भी नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आम गरीब लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अधिक और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब भी हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो जीविका के जो बड़े अधिकारी जो बड़े करोड़ों रुपए ठग चुके हैं इन जीविका दीदियों से, कहते हैं कि आप इन लोगों के चक्कर में नहीं आइए क्योंकि ये लोग जीविका को बदनाम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों बेईमानो, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जीविका को बदनाम हम लोग नहीं कर रहे हैं, जीविका को बदनाम आप बड़े बड़े ऑफिसों में ऐसी चैंबरों में बैठे हुए अधिकारी कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हो जाएं तो हमें क्या जरूरत है, हमें कोई जरूरत नहीं है आपको बदनाम करने की। हम बस ये चाहते हैं कि जीविका दीदियों के हक की जो पैसा है वो उनको मिले, आम ग्रामीणों के जो हक का पैसा है वो उनको मिले, उनके बीच का पैसा आप नहीं खाएं। ये उनके हक की लड़ाई है और उनके हक की लड़ाई के लिए केवल सच लड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों ने आपको बहुत सी बातें बताई कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुआ, अब अंतिम दौर में है हम। और अब कहानी में देखिए ट्विस्ट कहां आता है। इस बीच स्वाति सपना जो बीपीएम थी, अजय रंजन जी और डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी की तिगड़ी मिलकर करोड़ों रुपए ठगे जा रहे थे लोगों का। इसी बीच मार्च 2018 में स्वाति सपना जो थी बीपीएम नारायणपुर की, उनका रिजल्ट आ जाता है। थीमेटिक मैनेजर जो पोस्ट होता है उसमें उनका रिजल्ट हो जाता है और उनको मेल आ जाता है ज्वाइन करने के लिए एज ए थीमेटिक मैनेजर दूसरे जिले में। लेकिन सीईओ के मेल के बावजूद बीपीएम स्वाति सपना जो बीपीएम थी, बीपीएम से अपर पोस्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट होता है थीमेटिक मैनेजर, हो जाने के बाद भी स्वाति सपना थीमेटिक मैनेजर के रूप में ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, वो बीपीएम ही बने रहना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ओडीएफ के नाम पर शौचालय बनाने के नाम पर लाखों करोड़ रुपए की ठगी वो कर रही थी, इसलिए वो वहां से जाना नहीं चाह रही थी। और काफी मेल आदान प्रदान हुए, कई मेल आए गए, उसके बाद जब कई मेल आने के बावजूद भी ये ज्वाइन नहीं किया जाए थीमेटिक मैनेजर, क्योंकि काफी बड़ा मोटा पैसा कमा रही थी। लेकिन जब सीईओ ने कड़ा एक्शन लिया तब स्वाति ने बीपीएम का पोस्ट छोड़ा और फिर बेगूसराय में जून 2018 में बेगूसराय में थीमेटिक मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया।
तो जो करोड़ों का घोटाला हो रहा था इनके तिगड़ी के रूप में, तिगड़ी टूट गई जून 2018 में। वो स्वाति सपना जी थी, वो बेगूसराय में एज ए थीमेटिक मैनेजर ज्वाइन कर लिया। अभी हम लोग फोन के माध्यम से उनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे। अब फिर इन्हें ऐसे व्यक्ति की खोज, ऐसे व्यक्ति की खोज हुई कि जो इनके इन तिगड़ी में सम्मिलित हो जाए, तभी तो इनका भ्रष्टाचार चलेगा ना। तीन आदमी इनको चाहिए, एक डीपीएम पहले से थे ही, एचएनएस मैनेजर थे ही, डीपीएम हट गए, डीपीएम स्वाति सपना चली गई। अब इन लोगों ने ऐसा खोजना शुरू किया, तो खोजने के बाद डीपीएम भागलपुर ने अपने पटना में बैठे हुए बड़े अकाउंट से साठ लाख करके बांका के बौसी प्रखंड से ट्रांसफर कराकर नारायणपुर का नया डीपीएम बनाया, बीएन विहंगम जी को। बीएन विहंगम यानी बुद्धिनाथ विहंगम जी को नारायणपुर का नया डीपीएम बनाया, वो भी पैरवी से बने, डीपीएम भागलपुर के पैरवी से। अब इनके बीएन विहंगम जी के बारे में भी जानकारी ले लेना जरूरी है। सूत्रों से पता यह चला है कि जब डीपीएम भागलपुर पूर्णिया में बीपीएम थे, जब डीपीएम भागलपुर चंदन कुमार सुमन जी पहले बीपीएम थे, तो जब ये बीपीएम थे तो उनके अंदर में ये बीएन विहंगम जी एसी हुआ करते थे, यानी कि इन दोनों की जो दोस्ती थी वो बहुत पुरानी थी। यानी डीपीएम जब बीपीएम थे तो बीपीएम के अंदर में ये बीएन विहंगम जी एसी का काम कर रहे थे, एसी थे उस समय, तो उसी समय से इन लोगों की दोस्ती थी और विश्वास भी था, चूंकि दोस्ती थी, साथ में दोनों ने काम किया था, तो दोनों की साठगांठ भी थी। इसलिए डीपीएम भागलपुर ने पैरवी लगाकर बांका के बौसी प्रखंड, जो कि खुद एलएसबीए प्रखंड था, वहां से बीएन विहंगम जी को लाया और फिर से शुरू हुई इनकी पूरी प्रक्रिया, फिर से शुरू हो गया। जीविका का जो मतलब सिस्टम है गजब है, हंसी लगेगा आपको, गुस्सा भी आएगा। मतलब भ्रष्टाचार करने के लिए तरह तरह के सिस्टम अपनाए जाते हैं। अब विहंगम जी के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए। विहंगम जी बांका के बौसी प्रखंड से थे, बौसी प्रखंड खुद एलएसबीए प्रखंड था, तो एलएसबीए प्रखंड था यानी वहां भी शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा था, तो शौचालय निर्माण कार्य में जो धांधली होती है, जो पैसा उगाही होती है, उसके लिए पहले से ट्रेंड थे और डीपीएम के चाहने वाले भी थे, तो दोनों हिसाब से ये फिट हो रहे थे, हो गए गेट गोटी सेट। और विहंगम जो अभी भी विहंगम जी हैं, नारायणपुर के जो बीपीएम विहंगम जी हैं, बांका में रहते हुए उन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं सर, उन पर कई तरह के जांच भी चल रहे हैं और उन जांचों की तो भगवान भरोसे है लिपा पोती होती है। अब बीएन विहंगम के बीपीएम बनने के बाद, अब देखिए कहानी में एक और ट्विस्ट आया। जैसे ही बीएन विहंगम बीपीएम बने, अब तो अजय रंजन जी और विहंगम दोनों की अच्छी पटती थी पहले से, दोनों की जोड़ी टाइट हो गई, तो तीसरा आदमी अजय रंजन, अब अजय रंजन जी हो गए थर्ड पार्टी। अजय रंजन जी कमीशन ले लेते थे, अपना घूस का पैसा कमीशन के रूप में ले लेते थे, लेकिन अब इन दो अधिकारियों को लगा कि ये जो हम अजय रंजन को इनका कमीशन दे रहे हैं, इसका भी कमीशन हम लोगों को ही मिलना चाहिए, अजय रंजन ज्यादा पैसा ले ले रहे हैं। तब क्या किया गया, अब विहंगम चंदन डीपीएम के सह पर अपने एसी और सीसी स्टाफ को मिलाकर शौचालय निर्माण में दलाली करने लगे, जिसमें बीपीएम और डीपीएम मिलकर बहुत पैसा कमाए। और नोडल ऑफिसर अजय रंजन जी थे, उनकी दखलअंदाजी पूरी तरह से बंद कर दी, एकदम बंद कर दिया, क्योंकि संयम भय कोतवाल, डीपीएम और बीपीएम दोनों मिल चुके थे, दोनों एक दूसरे के जानने वाले थे, दोनों की ट्विस्ट अच्छी थी, दोनों मिलकर काफी लूट खसोट करने लगे और अजय रंजन जो कि पहले से काफी पैसा लूटते आ रहे थे, वो साइड लाइन ले लिया, उनको साइड कर दिया गया। अब जनता का गुस्सा फूट गया सर, इतना बड़ा और इतने बड़े पैमाने पे, आप जोड़ के देखिए ना सर, सीधा सीधी में आप कैलकुलेटर उठाइए, आपको लगता होगा कि ये 2,000-5,000 रुपए की बात है, आप कैलकुलेटर उठाइए और 12,000 शौचालय इंटू 5,000 4,000 करिए, 12,000 इंटू 4,000 करिए, अब गिनते रहिए कितना सुनना है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है सर। और ये एक ब्लॉक की बात कर रहा हूं, बिहार के एक ब्लॉक की, ऐसे ऐसे कितने ब्लॉकों को, 44 ब्लॉकों को शौचालय बनाने का निर्माण किया दिया गया था, सोचिए कितना कितना बड़ा भ्रष्टाचार है सर,
सब पशुपालन घोटाला और सृजन घोटाला सब फेल हो जाएगा इस घोटाले के आगे, ये शौचालय घोटाला के आगे। आप ऐड तो करिए सर, 12,000 × 4,000 कैलकुलेट करिए ना सर। देखिए तो जनता का गुस्सा फूटा और बराबर गाली गलौज होने लगा, पब्लिक में विद्रोह होने लगा। एक इस बीच एक प्रकरण यह भी आया कि एक दिन जो वहां की सीसी, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वहां की सीसी थी, घूस का पैसा लेकर ऑफिस आ रही थी, तब उनका पर्स छीन लिया गया, उसमें 60,000 रुपया लगभग था। और जब यह मामला काफी हाईलाइटेड हुआ तब बीपीएम ने झूठ मूठ का जाल बिठाया, 4,80,00,000 रुपया लगभग, ठीक है। तो जब मामला हाईलाइट हुआ और डीपीएम ने झूठ मूठ का जांच करवाया और बार्गेनिंग मतलब वार्निंग देकर लिपा पता, हाँ मामला जब बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया या बहुत लोग कहने लगे, गाली गलौज होने लगा, तब डीपीएम, चूंकि डीपीएम के संरक्षण में ही ये सारा कार्य हो रहा था और डीपीएम ही जांच करवाते हैं और उसकी रिपोर्ट क्या है पता नहीं, सारा मामला का लिपा लिपी कर देते हैं। और अंत में देखिए सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इन सभी बड़े भ्रष्टाचारों के लिए नारायणपुर ब्लॉक के बीपीएम विहंगम जी को जिला स्तरीय और भागलपुर बीपीएम चंदन कुमार सुमन जी को राज्य स्तरीय अवार्ड दिया जाता है। इस बड़े भ्रष्टाचार के लिए अवार्ड भी देती है जिनका भ्रष्टाचार के लिए। तो ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार, ऐसा बड़ा जो चोरी है उसकी उस आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखा। हम एक बार, समय तो हो चला है लेकिन हम लोग एक बार प्रयास करेंगे जो अजय रंजन जी हैं उनसे बात करने का। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लाइव अब अंतिम दौर में है, हम एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। अजय रंजन जी जो नोडल थे LSBA के, हम उनसे एक बार बात करने का भी प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है इन सभी मुद्दों में। 7781008437 उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि उनका इन सभी मुद्दों पर क्या कहना है। अच्छा लगता है कि लाइव देखकर वो स्विच ऑफ हो गए होंगे, हो सकता है, इनका तो फोन नहीं लगा। अच्छा बीपीएम जो उस समय की थी स्वाति सपना, उनको भी हम एक बार कॉल करके देख लेते हैं उनका क्या कहना है। विहंगम जी से पर बात करने का प्रयास करते हैं जो कि अभी तत्कालिक वहां के बीपीएम है। बीएन विहंगम, बुद्धिनाथ विहंगम, रिंग तो जा रहा है विहंगम जी, जो कि हेलो जी नमस्कार सर, ये बीएन विहंगम जी से बात हो रही है? जी सागर कुमार बात कर रहे हैं पत्रकार केवल सच से, केवल सच न्यूज से पत्रकार सागर कुमार बात कर रहे हैं सर। आपसे थोड़ी बात करनी थी 2 मिनट, अभी लाइव कार्यक्रम चल रहा है केवल सच का। अच्छा 2 मिनट भी अगर आप अपना कीमती समय दें तो, लाइव कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम में आपसे बात करना चाहेंगे कि नारायणपुर में आपके रहते और आपके रहने के पहले भी बड़े पैमाने पे शौचालय निर्माण की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है, उस सिलसिले में आपका क्या कहना है सर? आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? तो थोड़ा सा अगर साइड होके हमारे प्रश्नों का अगर 2 मिनट समय दे तो, फिर कल सुबह से लाइव जनता नहीं रहेगी ना, अभी सामने है बिहार की जनता आपको देख रही है, लाइव है हम लोग, कल सुबह बात कर लीजिएगा। अच्छा कल सुबह में, मतलब शौचालय निर्माण में जो बड़े पैमाने पे वहाँ घोटाला सामने आया है, मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, आप क्या, आपका क्या कहना है? आवाज के लिए रुक नहीं रही है। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, सब ठीक है, ठीक है आ जाए, ठीक है ओके। बाकी सारी आवाजें इनके पास जा रही थी लेकिन
इस सवाल का जवाब देने के लिए इनके पास जवाब नहीं था, आवाज का बहाना था। बीएन विहंगम जी को हमने कॉल किया, उनका बात सुनी। इसी तरह सारे अधिकारी हैं सर यहाँ के, कोई जवाब देता ही नहीं है, कोई जवाब नहीं देना चाहता है। बीपीएम से लेकर डीपीएम से लेकर यहाँ तक कि सीईओ, जो जीविका के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, वो अभी जीविका के हैं बाला मुकुंडी सर, उनको भी हमने प्रयास किया बात करने का, वो भी बात नहीं करना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर हमें ब्लॉक करके रखा हुआ है सर। आखिर कैसे हम आपसे इन सभी प्रश्नों पर जवाब मांगे, क्या क्या करें हम, आप ही बता दीजिए। मैं जीविका से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि हम इन सभी सवालों को लेकर किन के पास जाएं, कौन देगा हमारे सवालों का जवाब। हम केवल सच है और बिहार के आम जनमानस और जीविका दीदियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपसे सवाल पूछते रहेंगे, हर हाल में पूछेंगे। आप चाहे हम पे केस ही क्यों ना करते, हमें जेल ही भेजने का काम ही क्यों ना करें, लेकिन हम एक एक भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे सर, एक एक भ्रष्टाचार। सुन ले अगर जीविका के अधिकारी सुन रहे हैं तो, आपको हमारे सवालों के, हमारे प्रश्नों का जवाब देना होगा। एक प्रश्न और आया हुआ था, पटना उच्च न्यायालय को भी ठेंगा दिखा रहा है विभाग, मंत्री को बदनाम कर रहे हैं अधिकारी। सूचना है कि सीईओ एक ही जगह पर वर्षों से हैं और अपने कर्मचारियों से मिलने का 10 मिनट का समय नहीं देती है। सुन लीजिए सर, ये जनता बोल रही है सर, हम नहीं बोल रहे, ये जनता बोल रही है सर, ये जनता का कथन है। सीईओ एक ही जगह पे हो तो वर्षों से है, और एक बात, डीपीएम चंदन कुमार सुमन जी बहुत दिन से ही हैं, बहुत दिन से हैं सर, एक ही जगह पे बहुत दिन से, और अपने कर्मचारियों से 10 मिनट तक नहीं मिलते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, अगर और कुछ कमेंट है तो हमें दे दीजिए, हम ले लें। हम लाइव कार्यक्रम बंद अंतिम दौर पे है अपने, हम आप सभी जीविका के जो भी ईमानदार मित्र हैं, हम उन सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने ईमानदार बने रहने का प्रमाण दे और केवल सच के साथ जुड़े, केवल सच को अपने अगल बगल होने वाले तमाम भ्रष्टाचारों की सूचना देते रहें। हम आपके एक एक समस्या और सूचना पर कार्य करेंगे और उसको प्रमुखता से इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाएंगे, और केवल डिजिटली ही नहीं, केवल सच 16 साल पुरानी संस्था है, 16 साल पुराना राष्ट्रीय मासिक दैनिक पत्रिका है। हमारे आने वाला जो अंग है केवल सच का, उसमें जीविका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, व्यापक रूप से हम लोगों ने उसमें चर्चा की है। आने वाला जो अगला अंक है केवल सच हिंदी दैनिक मासिक का, उसको आप जरूर देखें, और इन तमाम घोटालों के बीच में आप सभी जीविका दीदियों, तमाम बिहार की जनता, केवल सच के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं जो देख रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। एक अंतिम कमेंट और आया, हम इसको भी ले ही लेते हैं। नवादा से अरविंद मिश्रा जी का कहना है कि नादरीगंज प्रखंड में भी जीविका द्वारा शौचालय निर्माण में भारी घोटाला हुआ है, पुराने शौचालय को दिखाकर राशि निकाली गई। एक एक घोटाला का पर्दाफाश होगा, केवल सच आपके हक की लड़ाई लड़ते रहेगा, आप देखते रहे केवल सच न्यूज। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, बहुत आभार। अंत में आपसे एक निवेदन है, कमेंट करिए, लाइक करिए और इस लाइव कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, ताकि इस विभाग के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार सिंह जी, वो जान पाए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कानों में भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दे, तब जाकर कहीं इस पर कार्रवाई होगी। आप सभी देवतुल्य जनता को सादर नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।